स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। आज का जो वीडियो है वो एक्टिवेशन ऑफ साइन एंड हाउसेस के ऊपर है। किसी ने मुझे मैसेज किया मोबाइल में, बार बार एक चीज़ पूछ रहे थे कि सर भृगु चक्र पद्धति आपने एक वीडियो में बताया है तो वीनस चौथे हाउस में है, चौथा हाउस एक्टिवेट हुआ तो शादी कैसे हो गया, ठीक है, लगन एक्टिवेट हो गया तो शादी कैसे हो गया। कि जैसे मान लीजिए कि 27 साल में आपका लगन, 25 साल में आपका लगन एक्टिवेट होता है तो शादी कैसे हो गया, या ये कह लीजिए कि 39वें वर्ष में या 40वें वर्ष में, सॉरी 40वें वर्ष में चौथा भाव एक्टिव हुआ तो शादी कैसे हो गया, वहाँ पे तो सप्तम भाव का कोई रोल नहीं है तो शादी कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि कोई आपका शुक्र तो नहीं है क्या चौथे भाव में, बोला हाँ शुक्र है चौथे भाव में। तो एक्टिवेशन जब भी किसी चीज़ का होता है वो साइन हाउस एंड प्लैनेट तीनों का होता है, ठीक है। और जब भी एक्टिवेशन होता है तो उसमें एक्टिवेशन तीन तरीके से होता है, एक तो दशा अंतरदशा के हिसाब से, एक होता है गोचर के हिसाब से, ठीक है, इसके अलावा तीसरा भृगु चक्र पद्धति से। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है गोचर। गोचर से सबसे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा, सबसे जल्दी आपको आइडिया लगेगा कि क्या एक्टिवेट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इस समय राहु का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में है, ठीक है। अभी किसी का जो आर्द्रा नक्षत्र में है, मान लीजिए मंगल, ठीक है, अभी मरकरी भी वहीं गोचर कर रहा है, तीन सात ग्यारह ये जो राशियां हैं, मिथुन राशि, आपका तुला राशि और 11 नंबर की राशि, ये एक दूसरे से त्रिकोण में है। तो मैंने त्रिकोण में लिख दिया इनको, ठीक है, मिथुन तुला और कुंभ। तो जिनका भी मंगल यहां पर है या मंगल यहां पर है तो जो एग्जैक्ट डिग्री है इस समय, मान लीजिए मंगल का 8 डिग्री पे है, ठीक है, आपके जन्मकुंड में किसी के भी चार्ट में, ये भी 8 डिग्री में है, ठीक है, ये भी 8 डिग्री में है। राहु अभी एग्जैक्टली इसी डिग्री के पास आसपास गोचर कर रहा है, ठीक है, मतलब 2-3 डिग्री अभी पीछे की तरफ जाने वाला है तो लास्ट डिग्री में है लेकिन इफेक्ट कर रहा है। और बुध भी जो है जहां पर मरकरी का साइन है वो बुध भी है, इस समय आप देखेंगे कहां गोचर कर रहा है, बुध भी यहीं पर गोचर कर रहा है। तो इस समय जो है जेमिनी साइन का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है, मंगल का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रेक, इंजरी। मरकरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मरकरी रिप्रेजेंट करता है ये जो साइन है आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग, आपकी कम्युनिकेशन और आपके डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपके सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जो 3 नंबर का साइन है वो आपके 6 नंबर में भी हो सकता है, ये आपके 11th हाउस में भी हो सकता है। 11th हाउस क्या है? आपकी पत्नी का पंचम भाव है। अभी अगर वो एक्टिव हो रहा है इस समय तो यानी कि आपकी संतान से रिलेटेड कोई इवेंट, ठीक है, आपकी जैसे चाइल्ड बर्थ होना प्रोमिनेंट है इस समय, क्योंकि उसका जो साइन लॉर्ड है मरकरी वो भी इसी समय यहां पर गोचर कर रहा है। आप देखिएगा इस समय तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में गड़बड़ी आना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गड़बड़ी आना, मोबाइल फोन पिछले एक महीने से, या आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपके वर्क प्लेस में गड़बड़ होना, ये कब होगा? जब छठे हाउस में इस समय मरकरी मार्स और राहु गोचर कर रहा हो, कम्युनिकेशन की वजह से, बैड लैंग्वेज की वजह से। साथ में क्या दिक्कत आ रहा होगा? आपके जो माता है उनकी जो सिबलिंग्स हैं, आपकी मौसी है, आपके मामा, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन हो रहा होगा इस समय, प्रॉब्लम। अभी 3 नंबर आपके कान को भी रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस आपके कान को भी रिप्रेजेंट, कान में दिक्कत हो सकता है। तो ये चीजें आपको साइमल्टेनियसली दिखाई दे रही है, साथ साथ एक चीजें ये होंगी। जिसका भी जेमिनी साइन में मार्स है और मरकरी वहां से अभी ट्रांजिट कर रहा है, राहु भी कर रहा है और इतना 8 डिग्री के आसपास है, तो एक्टिवेशन है जिसका साइन का मरकरी का और उसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है। हाउस आप इसमें देखेंगे कि हाउस इसमें अब आपके चार्ट में कहीं ना कहीं 3 नंबर या आता होगा, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट किसके लिए है? जिनका मंगल है। कम्युनिकेशन डिवाइस का ब्रेक हो जाना, काम करना बंद हो जाना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम्स।
हाथों में कोई दिक्कत, कान में कोई दिक्कत, मतलब अलग अलग लेवल पे ये चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी इस समय। ट्रांजिट को देख के मैं बता रहा हूं, आज का जो वीडियो है वो है सेजिटेरियस के ऊपर वैसे एक्चुअली, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि सेजिटेरियस साइन जब एक्टिवेट होगा तो क्या क्या चीजें आपके चार्ट में होंगी, ठीक है। मान लीजिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, 9 नंबर यहां पर है, 3 नंबर यहां पर है, गुरु यहां पर है, ठीक है, छठे भाव में, और शनि यहां पर है, ठीक है, किसी का। तो ये साइन ऑफ सेजिटेरियस, साइन ऑफ सेजिटेरियस किस चीज का है? धनु राशि आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? हायर एजुकेशन, गुरु, टेंपल, ठीक है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक, हायर एजुकेशन, हायर जो नॉलेज है जिस भी तरीके का, धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उस सब चीजों को, आपके गुरु को, आपके बॉस को रिप्रेजेंट करता है सेजिटेरियस साइन, और गुरु उस चीज का कारक है। जब यहां पर किसी का एक्टिवेशन होगा तो गुरु का भी एक्टिवेशन हो जाएगा साइमल्टेनियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में जब यहां पर बहुत सारे प्लैनेट बनेंगे तो वो गुरु को इफेक्ट करेंगे, तो वो यहां पर वो चीज भी एक्टिवेट हो जाएगी। 12वां भाव आपके बेडरूम लाइफ का है, बेडरूम का है, नवा भाव आपके रिलीजियस एक्टिविटीज का है, गुरु रिलीजियस एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, आप पूजा पाठ जो भी करते हैं गुरु रिप्रेजेंट करता है उसको। 12वां भाव आपके एक्सपेंडिचर्स का है, शनि आपका प्रोफेशन का कारक है। अभी देखिएगा 12वां भाव, देखो आपने ज्योतिष में रूल पढ़े होंगे कि चौथे भाव से घर देखा जाता है, घर का बनना, कंस्ट्रक्शन जो देखा जाता है वो 12th हाउस से देखा जाता है। घर बनाने, शादी करने में सबसे ज्यादा खर्चा होता है लोगों की लाइफ में, सबसे ज्यादा खर्चा वहीं पर होता है लोगों का, ठीक है। तो 12वां भाव देखना है जब भी घर बनाने, घर कंस्ट्रक्शन का देखना है, रेनोवेशन देखना है। 12वां भाव आपकी छत को भी रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है छत, 12वां भाव एक्टिवेट होगा आपके चार्ट में, हो सकता है आपके छत में कोई फॉल्ट हो जाए, छत में फॉल्ट हो जाए तो आपकी दादी को भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर फादर से चौथे भाव में आपका 12वां भाव पड़ता है, या आपने एक नई छत डलवाई हो, या अपने रूफ के ऊपर कोई काम करवाया हो, जब 12th हाउस आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये तब होता है जब दो प्लैनेट यहां पर गोचर करें, डबल ट्रांसिट जिसको हम बोलते हैं, या सबसे ज्यादा एक्टिव तब हो जाएगा जब गुरु की महादशा, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा चल रही हो, ट्रांसिट में किसी की दृष्टि वहां पड़ जाए। अभी क्या है, ये मकर लग्न वालों का, तो सेजिटेरियस साइन यहां पर एक्टिवेट हुआ, गुरु का साइन है, शनि सेजिटेरियस साइन में आपको गुरु बनाने, मतलब गुरु बनते बनते रह जाता है, या मतलब कोई ना कोई हिंड्रेंस क्रिएट करता है, डिले करता है, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग में डिले करता है। अभी गुरु का गोचर यहां पर है, केतु का भी यहां पर है, तो जब गुरु और केतु दोनों का गोचर यहां पर है, गुरु अपने अपने को देख रहा है, ट्रांजिट का गुरु इस गुरु को देख रहा है, यानी कि गुरु भी एक्टिवेट है, सेजिटेरियस साइन भी एक्टिवेट है, 12वां भाव में बैठा हुआ शनि और 12वां भाव भी एक्टिवेट है। बहुत सारी लोगों की लाइफ में सेजिटेरियस साइन इस समय एक्टिवेट है, अलग अलग हाउसेज में है वो। क्या क्या चीजें हो सकती है 12वें भाव में है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। इस व्यक्ति ने क्या किया होगा, बड़ा एक्सपेंडिचर किया होगा, ठीक है, शुभ कार्य पर। 12वां भाव किस चीज का है? रूप का है उसके ऊपर, ठीक है, और भी शुभ कार्य, क्योंकि गुरु की राशि है ना, गुरु उसको देख रहा है, जन्म कुंडली का गुरु इसको देख रहा है, तो शुभ कार्य पे खर्च होगा, फालतू तो खर्च नहीं होगा, ठीक है। 12वां भाव शनि को एक्टिवेट किया, यानी कि प्रोफेशन में कुछ है, मैंने कहा सेजिटेरियस साइन बॉस का है तो बॉस चेंज भी हुआ होगा वर्क प्लेस पे, ठीक है। 12वें भाव पे एक हायर लर्निंग में सक्सेस ये भी दिया होगा, हायर लर्निंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर भी किया होगा, ठीक है। इसके अलावा बेडरूम का है, बेडरूम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। जब शनि सेजिटेरियस साइन में आ जाता है और उसका जो लॉर्ड है वो गुरु यहां पर आ जाता है, शनि से पीड़ित हो, तो इसका मतलब आपके घर में जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, जो आपके घर का मंदिर है, या वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये रिलीजियस एक्टिविटीज करता था अपने बेडरूम में, यानी कि पूजा कर रहा था, पूजा करता था, तो क्या हुआ, इसने एक छोटा सा इवेंट किया, उस मंदिर को चेंज कर लिया, कहां पर रखा उसको, अपनी छत के जो दूसरी बिल्डिंग जो इसने बनाई, मैंने बोला ना कि 12वां भाव एक्टिवेट है, तो इसने वहां पर उसको रखा जाके, पहले वो एक शेल्फ पे था, अभी उसने जमीन पे रखा अपने दूसरी जो बिल्डिंग बनाई है उसमें, ठीक है। अभी उस बेडरूम से
जो ये कार्य कर रहा था रिलीजियस एक्टिविटी उसको हटा दिया, यानी उसका सजिटेरियस साइन एक्टिवेट है। साथ में जो इसको एक और एडवाइस बोला कि आप अपने जो मंदिर है घर का, एक तो रिलीजियस एक्टिविटीज बेडरूम में हायर एजुकेशन से लेकर चीजें ये ना करें, प्लस जो डस्ट है या जो भी है मंदिर जो आप पूजा करते हैं उसको बहुत साफ सफाई से रखें। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो गुरु की सर्च में ये था काफी टाइम से, उसको इसी टाइम पे गुरु मिला, हायर एजुकेशन पे खर्च किया, धर्म धार्मिक कार्यों पे खर्च किया। अभी देखो एक्टिवेशन दो तरीके से होता है, एक आपको किसी ने रेमेडी बोला तब आपने एक्टिवेशन किया, एक होता है आप ऑटोमेटिकली अपने आप एक्टिवेशन करते हैं। जितने भी आज तक एक्टिवेशन मैंने देखे हैं वो सब अपने आप होते हैं, माध्यम कोई और बनता है, कभी कोई ज्योतिषी माध्यम बन गया, कभी कोई डॉक्टर माध्यम बन गया, कभी कोई टीचर, कभी कोई बच्चा, कभी कोई कोई, ठीक है। और एक्टिवेशन आपके हाउस और साइन का तभी हो सकता है जब आपका ट्रांजिट या दशा में वो साइन या हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, या दशा अंतरदशा में वो साइन एक्टिवेट हो रहा हो, तभी आप एक्टिवेशन किसी हाउस का, किसी प्लैनेट का कर सकते हैं। जो रेमेडीज हैं वो दो तरीके से हैं, एक जो चार्ट में कोई कर्सेज हैं और काफी लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ इश्यू है तो उसको रेमेडी बताया जाता है, एक वो किसी इवेंट के लिए एक्टिवेशन, भाई शादी नहीं हो रहा है तो एक्टिवेशन करा दीजिए। कोई माई का लाल, जब तक ट्रांजिट या दशा नहीं आएगी, उस दशा ऐसी नहीं आएगी कि सातवां भाव शुक्र सप्तमेश को एक्टिवेट कर रहा हो या लिब्रा साइन को एक्टिवेट कर रहा हो, तब तक आपके चार्ट में वो एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा किसी चीज का। जब वो कोई ट्रांजिट में दृष्टि ग्रहों की या गुरु का गोचर, शनि का गोचर, दशा अंतरदशा उस हाउस या साइन को एक्टिवेट कर रहा होता है, तब आप रेमेडी बताएंगे उस हाउस और साइन की, तब संभावना इवेंट होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि ऐसा मैक्सिमम एक्सप्लोर करते हैं। दो तरीके की रेमेडी हो गई, एक जो कर्सिस है चार्ट में, कोई खराबी है चार्ट में उसके लिए कि आप ये कर्म करिए उसको इंस्टेंटली आपको 1 या 2 महीने या 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, एक जो किसी इवेंट को एक्टिवेशन के लिए कराई जाती है। जो इवेंट को एक्टिवेशन के लिए रेमेडी कराई जाती है उसमें आपको दशा गोचर देखना पड़ता है, उसके बिना आपका कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर साइन ऑफ सेजिटेरियस एक्टिवेट हो रहा था ट्रांजिट से। अभी आप भी देखिए आपके चार्ट में भी कुछ ना कुछ ये चीजें, हायर एजुकेशन में, हायर लर्निंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ज्योतिष में, धार्मिक किताबों में, कुछ ना कुछ आपकी सेजिटेरियस साइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस समय। इस समय 3 नंबर से आपका जा रहा है मंगल राहु, किसी ना किसी का वहां पे चंद्रमा मंगल ये सब आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, या 7 नंबर या 11 नंबर में कोई ना कोई प्लान बैठा होगा, तो वो इस समय एक्टिवेट है, इस समय एक्टिवेशन है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है थर्ड, थर्ड हाउस सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अभी मुझे इसी में बताना हो तो इसी में बता सकता हूँ कि मंगल का, तो मंगल यहाँ नहीं है लेकिन गुरु है, और गुरु मान लीजिए आर्द्रा में है, तो राहु इस समय आर्द्रा में जा रहा है, बुध भी वहां पर आ गया, 6th का लॉर्ड इस समय। कुछ ना कुछ चेंजेस वर्क प्लेस में, कुछ ना कुछ गड़बड़ वर्क प्लेस में, कोई ना कोई ईगो क्लैशिंग डिस्प्यूट यहां पर देखने को मिला होगा। इसके अलावा ये 3 नंबर की राशि है, ये भी एक्टिवेट हुई होगी, मदर की सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर। तो कॉम्युनिकेशन की वजह से यहां पर 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में कुछ ना कुछ इवेंट यहां पर हो रहा होगा साइन ऑफ जेमिनी की वजह से, ठीक है। तो एक्टिवेशन देखने के बहुत सारे तरीके हैं, और जब कोई साइन के एक्टिवेशन से भी आपकी चीजों में इवेंट होते हैं, हाउसेस को मत देखिए। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ये मेरा यहां पे शुक्र था तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरा तो चौथा भाव एक्टिव था भृगु चक्र पद्धति का, अभी उसको ये मालूम नहीं है कि शुक्र जो है लिब्रा साइन का लॉर्ड है, तो जब इसका एक्टिवेशन होगा तो इसका भी होगा, लिब्रा साइन एक्टिवेट हुआ शुक्र एक्टिवेट तो शादी होगा, सिंपल सा रीजन है, इतनी छोटी सी बात है। तो ये एक छोटा सा वो यहां पर वीडियो था एक्टिवेशन पर, और सेजिटेरियस को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, साइन ऑफ सेजिटेरियस आपका जब एक्टिवेट होगा तो आप अपने धार्मिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करते हैं, और साथ साथ आपकी हायर एजुकेशन में भी, गुरु बनाने में भी, और हायर लर्निंग में आपको हेल्प मिलता है अपने आप।
कोई ना कोई शुभ इवेंट होगा, क्योंकि साइन ऑफ सेजिटेरियस गुरु का साइन है, तो गुरु एक्टिवेट हो रहा है आपके चार्ट में, तो कोई शुभ कार्य आपके यहाँ पर होगा, यानी कि वो कोई जैसे आपका शादी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, ये सब चीजें आपके लाइफ में होंगी। अभी किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ है, 9 नंबर है यहाँ पे साइन ऑफ सेजिटेरियस में, ठीक है, तो 9 नंबर है, गुरु केतु यहाँ पर गोचर कर रहा है उसका, तो उसका चाइल्ड बर्थ हुआ है अभी 2 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ सेजिटेरियस एक्टिवेट है और जुपिटर एक्टिवेट है चार्ट में। जुपिटर कैसे एक्टिवेट है उसके चार्ट में, अभी एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो मैं बता ही देता हूं कि एक तो ट्रांजिट में उसका जुपिटर यहां पे जा रहा है, ठीक है, 9 नंबर में केतु के साथ, ठीक है, तो साइन ऑफ सेजिटेरियस एक्टिवेट है, प्लस उसका जो जन्म कुंडली का गुरु है वो यहां पर है, अभी 9 नंबर यहां है, तो 5 और 6 ये वो बन जाएगा, सिंह लग्न हो जाएगा ये, तो ये गुरु यहां पर है। अभी उसकी जो एज चल रही है वो चल रही है 39, ठीक है, 39वें साइन में ये एक्टिवेट है, लेकिन उसका लॉर्ड यहाँ शुक्र यहाँ बैठा हुआ है गुरु के साथ, तो जब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, जब ये शुक्र एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर गुरु के भी रिजल्ट रहेंगे, गुरु भी एक्टिवेट रहेगा उसके साथ, जो कमर जो कंजंक्ट होगा जिसकी युति होगी, तो गुरु एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी जन्म कुंडली ट्रांजिट में सैजिटेरियस साइन एक्टिवेट है, गुरु एक्टिवेट है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है। अभी लव अफेयर का भी है यहाँ पे, बॉस का भी है, बॉस चेंज होना, यानी कि आपका जॉब चेंज हो रहा है तो बॉस चेंज भी होगा ना, तो ये भी हो सकता है कि उसका हो रहा हो अभी इस समय, तो आपको एक साथ दो दो चीजें आपको देखनी चाहिए। और साइन ऑफ सेजिटेरियस की बात जब आती है तो आप धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, आप लॉन्ग जर्नी लॉन्ग टर्म गोल आप बनाते हैं अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन को लेकर के, अब वो साइन ऑफ सेजिटेरियस आपका यहाँ पे हो सकता है 9 नंबर में, हो सकता है आपने घर बनाया हो और आपको उसी समय सक्सेस मिला हो आपकी एजुकेशन में, क्यों, क्योंकि 4th हाउस आपके घर बनाने का है और साइन ऑफ सेजिटेरियस वहां पर हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने घर बनाया तो आपका 4th भाव एक्टिवेट हुआ, तो साइन भी एक्टिवेट हो रहा है, रेमेडी आप जो करते हैं उसमें भी साइन हाउस अपने आप एक्टिवेट होते हैं, कुछ रेमेडीज आप अपने आप करते हैं, कुछ अपने आप होती है, मतलब ठीक है, तो उसमें साइन अपने आप एक्टिवेट होता है। ये छोटा सा वीडियो है आज का, आई होप आप इसको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।